डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। डिफरेंस हम लोग को मेजर इसका पता है क्या होता है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं 3 पॉइंट्स में, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कॉल बाय वैल्यू पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ए कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास इनटू द फंक्शन, ठीक है। जो वैल्यू हम लोग पास करते हैं एक्चुअल पैरामीटर में, एक्चुअल पैरामीटर में जो हम लोग वैल्यू पास करते हैं उसका कॉपी कहाँ पे पास होता है? फॉर्मल पैरामीटर में, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में आते हैं ना, एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास इनटू द फंक्शन। यहाँ एक्चुअल वैल्यू पास ना होगी, क्या पास होता है? एड्रेस पास होता है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली। इसका क्या मतलब है? जो भी फंक्शन में चेंजेस होंगे, मींस जो भी वैल्यू में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है, अगर वहां पे कॉल बाय वैल्यू यूज हो रहा है तो वो मॉडिफिकेशन कहाँ तक लिमिट रहेगा? सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन तक, ठीक है। मींस एक्चुअल पैरामीटर जो हम लोग वहां पास करेंगे उसकी वैल्यू कहाँ कॉपी हो रही है? फॉर्मल पैरामीटर में, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। किसकी वैल्यू मॉडिफाई होगी? फॉर्मल पैरामीटर की, जो उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल होगा उसी की वैल्यू मॉडिफाई होगी, और जो भी चेंजेस वहां पे किए जा रहे हैं वो वहीं तक सीमित रहेंगे, ठीक है। कोई दूसरे फंक्शन में या मेन फंक्शन में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आया समझ में? ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस में देखते हैं, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन वैलिडेट आउटसाइड द फंक्शन ऑल्सो। द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चेंजेस इनसाइड फंक्शन हो रहे हैं, मतलब फंक्शन के अंदर जो फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यूज में हम लोग प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? एक्चुअल पैरामीटर पे भी होगी, ठीक है। मतलब वैल्यूज किसकी चेंज हो रही है? फॉर्मल पैरामीटर की चेंज हो रही है, लेकिन वो उस एड्रेस पे जाके चेंज कर रहा है। हम लोग ने क्या पास किया वहां पे? एड्रेस पास किया है, तो एड्रेस पे जाएगा और उस वैल्यू को डायरेक्टली चेंज कर देगा, ठीक है। आया समझ में? फिर थर्ड पॉइंट है कॉल बाय वैल्यू में, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर क्रिएटेड एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर को अलग मेमोरी मिलेगी और फॉर्मल पैरामीटर को अलग मेमोरी मिलेगी, ठीक है। देन उस पर थर्ड पॉइंट है कॉल बाय रेफरेंस में, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक ही बार वेरिएबल बनेगा, वही एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास होगा, ठीक है, और उसी का एड्रेस कहाँ पे पास हो रहा है? फंक्शन डेफिनेशन पे, मतलब फॉर्मल पैरामीटर पे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे मेमोरी कितने बार असाइन हो रही है किसी भी वेरिएबल को? एक ही बार, ठीक है। मतलब एक्चुअल पैरामीटर को ही मेन मेमोरी मिलेगी, ठीक है। वही मेमोरी कहाँ पे यूज हो रही है? फॉर्मल पैरामीटर में भी यूज हो रही है, ठीक है। आगे समझ में? तो तीन मेजर डिफरेंस होते हैं, ठीक है। रिकर्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन जब कॉल होता है, ठीक है, फंक्शन जब कॉल होता है, ठीक है, तो हम कॉल कहाँ पे करते हैं उसको? मेन फंक्शन में करते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसा मैंने यहां पे लिखा फंक्शन वन, ऐसा ठीक है, मैंने यहां पे लिखा void फंक्शन वन और इस टाइप का मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया यहाँ पे, और इस फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, खुद को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आया समझ में? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ,
ठीक है, क्या फंक्शन कॉलिंग इट्सेल्फ, ठीक है, इज कॉल्ड रिकर्शन। अगर फंक्शन खुद को कॉल करता है तो हम लोग इसको रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जब इस फंक्शन में ये कॉल हुआ, फंक्शन वन बना और खुद के अंदर ही उसने कॉल कर दिया, ठीक है, तो ये एक प्रकार का लूप चलते जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये रन करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे आया, नेक्स्ट लाइन में क्या है, फंक्शन वन कॉल किया, ठीक है, वापस कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, फिर उसके अंदर स्टेटमेंट क्या मिलेगा, फिर से वो अपने आप को कॉल कर रहा है, वापस कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार का एक लूप बनते जाएगा, बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है और कंट्रोल अपने आप में ही वो घूमते जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिकर्शन। क्या बोलते हैं, रिकर्शन, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। बस एक ही लाइन याद रखना है इसका, क्या, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, लिख लो कहीं ऊपर मार्जिन में, ठीक है, स्टार स्टार बना के लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, कुछ 35,000 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पे एन वैल्यू पास कर दिया, ठीक है, और अगला मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एन माइनस वन होगा, ठीक है, फिर से कॉल करेगा, एन माइनस वन पास करेगा, फिर से कॉल करेगा, एन माइनस वन पास करेगा, ठीक है, तो सेम स्टेप रिपीट कर रहा है और एक एक माइनस करके वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सेम हम लोग इसी फैक्टोरियल को, प्रोग्राम को समझते हैं तो रिकर्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इस फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, इंट फैक्ट और ब्रैकेट में दिया इंट, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग रिटर्न भी कर रहे हैं और एक आर्गुमेंट भी हम लोग पास करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसके फंक्शन डेफिनेशन पे। ठीक है, इंट फैक्ट और यहाँ पे दे दिया इंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एन, क्या वेरिएबल लिया, एन वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इफ एन इक्वल टू जीरो, इफ एन इक्वल टू जीरो, अगर एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू जीरो होगी तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो, क्योंकि अगर जीरो से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आना है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू जीरो हम लोग इनपुट देंगे तो रिटर्न क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, else if n इक्वल टू वन, n की वैल्यू अगर वन होगी, ठीक है, तो वन के आगे तो कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए है ही नहीं, ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। ठीक है, जीरो के लिए केस हो गया और वन के लिए हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला, ठीक है, फाइनल else में यहाँ पे हम लोग देंगे रिटर्न n मल्टीप्लाई बाई फैक्ट n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोग, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। अब ये लॉजिक कैसे वर्क करेगा वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे void main में। ठीक है, और यहाँ पे हमने सबसे पहले दो वेरिएबल डिफाइन कर लिया, सॉरी डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, एन और एफ। ठीक है, एन वैल्यू हम लोग इनपुट लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होगा और स्कैनएफ से हम लोग एन में वैल्यू को इनपुट ले लेंगे। ठीक है, किस में वैल्यू को इनपुट ले लिए, एन में। ठीक है, एन में हम लोग वैल्यू को इनपुट ले लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या कॉल किए, फंक्शन को कॉल किए। ठीक है, यहाँ पे कॉल हुआ है फंक्शन, कौन सा फंक्शन, फैक्ट फंक्शन, और यहाँ पे हमने पास किया है एन। अगर मान के चलो एन की वैल्यू हमने 5 दिया, ठीक है, हमने इस प्रोग्राम को रन किया और वैल्यू क्या दे दिया, 5 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पास होगा, 5 पास होगा। ठीक है, एन की वैल्यू 5 है। ठीक है,
अब कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी होगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे एन की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे एन है, ठीक है, ये 5 वैल्यू इस एन में कॉपी हो जाएगी, कॉपी हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो चेक होगा। सबसे पहले इफ एन इक्वल टू 0, एन की वैल्यू क्या है 5, 5 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 5 इक्वल टू 0 मतलब कंडीशन फॉल्स, ठीक है। 5 जो है वो 0 के बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर एल्स इफ में आएगा, वो चेक करेगा एन इक्वल टू 1, ठीक है, 5 इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया एल्स में, ठीक है। एल्स में जब आ गया तो यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहा है, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1, ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे फैक्ट एन माइनस 1, फैक्ट क्या है, फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, खुद को ही कॉल किया उसने, ठीक है, किसको कॉल किया, खुद को कॉल कर दिया, ठीक है। और क्या पास किया, एन माइनस 1 पास किया, एन की वैल्यू थी 5, ठीक है, 5 माइनस 1 यहाँ पे पास हुआ, मतलब यहाँ पे अब एन की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक है। फिर से यहाँ कंडीशन चेक होगा 4 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन फिर से चेक होगा 4 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1, तो यहां पे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 को कॉल करेगा। फिर से फैक्ट कॉल हुआ, यहाँ पे फैक्ट कॉल हुआ, ठीक है। अब क्या पास हुआ यहाँ पे, एन माइनस 1, एन की लेटेस्ट वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 माइनस 1, तो क्या पास हो गया यहाँ पे 3 पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ वापस आएगा तो वैल्यू अब एन की क्या हो जाएगी 3 हो गई, ठीक है, 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर एल्स इफ में आएगा एन इक्वल टू 1 मीन्स 3 इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनल एल्स में आ जाएगा, अब यहां से रिटर्न क्या कर रहा है, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है 3 है, 3 है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 पास होगा, तो क्या वैल्यू पास होगी यहाँ पे, अब 2 पास होगी, ठीक है। अब एन की वैल्यू है 2, 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। एल्स इफ 2 इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। फिर से एल्स में आएगा और यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, एन मल्टीप्लाई बाय फैक्ट एन माइनस 1, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, क्या पास होगा यहाँ पे 2 माइनस 1 पास होगा, तो पास हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन में आएगा 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हुआ फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर एल्स इफ में आएगा, फिर यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गया, और क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा, तो 1 यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न क्या हुआ 1 हो गया। ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, उसका डेटा टाइप लिखे, ठीक है, 1 रिटर्न किया और इसको कैलकुलेट कर लेगा। यहां से जो वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ये वैल्यू, या तो ये वैल्यू, या तो ये वैल्यू, ये कहाँ पे कैच होगा, इस एफ में कैच होगा, ठीक है। फैक्ट यहां से एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वो किस में आके स्टोर होगा, इस एफ नाम के वेरिएबल पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंट डी, और एफ की वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 120, ठीक है।